लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिस पॉलिसी मेकिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आप इस वक्त नज़र आ रही हैं, कितना मुश्किल है महिलाओं से इंटरेक्ट करना पॉलिसी के ज़रिए? कोई मुश्किल मुझे नहीं लगता है। ये तो सब लोगों ने महिलाओं का एक इमेज बना के रखा है कि महिलाओं को कन्विंस करना या उनके साथ में इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं तो बोलूँ ये कुदरत की बनाई हुई बहुत ही शानदार और बहुत नर्म दिल क्या कहूँ नज़ाकत है जो महिला जिसको कहा जाता है, और मुझे लगता है उससे इंटरेक्ट करना बहुत ही इजी होता है। लेकिन जब बातें करती हैं तो बहुत आम इंसान की तरह बातें करती हैं, तो मुझे लगता है इस यूनिवर्स में हम आए हैं तो आम लोगों की तरह आए हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी वाई वुमेन वी आर, आई डोंट फॉलो जेंडर, वी आर ह्यूमन बीइंग राइट। एंड हम अभी जहाँ जिस सदी में जी रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है चांद पे जाने से लेके रिक्शा चलाने तक, टैंकर ट्रैक्टर चलाने तक अगर वीमेन कर सकती हैं तो व्हाई वी विल फॉलो जेंडर, एंड एवरीथिंग इज़ इक्वल एवरीवेयर। इवन मैं तो बोलूँगी ट्रांसजेंडर हैं क्यों उनको भी कम माना जाए, वो भी एक ह्यूमन है। सवाल का इसलिए मैम, बिकॉज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्पेशली महिलाओं के लिए कार्य करती है जी, और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि प्राची मैम जिस इनिशिएटिव को लेकर आ रही हैं, इस तरह की इनिशिएटिव बहुत कम दिखती है मंत्रालय में जी। तो क्या आप इस चीज़ को महसूस करती हैं कि वाकई कुछ ऐसे इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है? ज़रूर, प्राची मैम का और मेरा इंटरेक्शन गए साल हुआ है, कोविड चालू था उसके दौरान हुआ है, और वो काफ़ी इस फील्ड में बहुत आगे आ रही हैं। मैं सोचती हूँ कि सिर्फ महिलाओं को उनके हाथ को काम देना ही उनको हेल्प करना या उनको मजबूत बनाना नहीं होता है, तो उनके अंदर की खूबियों को भी जान के उन चीज़ों को निखारना, उनको लोगों तक पहुँचाना, वो भी एक एक तरह से उनकी मदद होती है। प्राची नारकर कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है बच्ची, सीज़न 4 है। मैं इनके लिए मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूंगी कि इनके सीज़न जो 4 है इनके आगे बहुत सारे 0 लगते जाए 4 के आगे, और उन सारी चीज़ों में मैं उनके साथ में एज ए ह्यूमन, एज ए इंसान मैं ज़रूर इनके साथ पे रहूं। मैम एक मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब ये वीडियो फुटेज मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये संदेश भारत में ही जाएगी, सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है। ऐसे में जो कंटेस्टेंट खासतौर पे जो पार्टिसिपेंट्स ऑन स्टेज होंगी उनके लिए क्या मैसेज है, तब जब एक चैलेंज को लेकर ये लोग खड़े होने जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि हर एक इंसान अपने आप में हर चीज़ों से भरा पूरा रहता है, ऐसा कोई इंसान इस धरती पर भगवान ने बनाया नहीं जो पूरा पूरा सही हो या पूरा पूरा गलत हो। मैं सोचती हूँ हर कंटेस्टेंट ने अपने अंदर की जो खूबी है, उनके स्पार्क है, पोटेंशियल है, उसको पहचान के अपनी जब बारी आती है उस वक्त उस चीज़ों को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करना, फिर हो उनकी खूबसूरती हो, उनका ड्रेसिंग सेंस हो, उनका वॉक हो, उनका बॉडी लैंग्वेज हो, उनको पूछे गए सवाल हो, ना कि हर वक्त, क्योंकि मैंने ये देखा है और वो अभी मुझे आउटडेटेड लगने लगा है कि कोई भी कंटेस्टेंट जीतने के बाद में कहता है कि मैं जाके एक अनाथ बच्चे को मैं गोद लूँगी या ये करूँगी वो करूँगी। क्यों अनाथ बच्चे को गोद लेना है? इससे आगे बढ़कर किसी बच्चे को गोद लेने से अच्छा है एक दिन महीने का एक दिन आप अगर पूरे अनाथ आश्रम के साथ में बिताओ तो भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ये मेरा मानना है। ओके, और आखिरी सवाल लूँगा मैम, जब इलेक्शन होता है और वोटिंग की काउंटिंग होती है तो ठीक 2 दिन पहले क्या चलता है, जरा ये सवाल भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट इट। मैं सच में ये कहना चाहूँगी कि मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ लेकिन वो जो सवाल आप जिस तरह से पूछ रहे वैसे पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आई एम इन पॉलिटिक्स बट नॉट अ पॉलिटिशियन विच यू वॉन्ट टू आस्क मी द क्वेश्चन। मुझे इतना ही पता है कि मैं अगर अच्छा काम करती हूँ, और आपने शायद भाई कला में कभी राउंड लगाया होगा, तो
वो काम मेरा बोलता है और मुझे दो दिन पहले कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, और दो दिन पहले कोई करता भी होगा तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो समाजकारण नहीं है, वो राजकारण नहीं है। आप जिस दिन से चुनते हो, चुन के बाहर निकलते हो, उसी वक्त से आपका काम शुरू होता है, और जिस वक्त आपकी काल मर्यादा ख़त्म होती है उस वक्त ख़त्म होता है। पर यकीनन ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी कन्वे करेगी कि कहीं ना कहीं अपने को टैलेंट कैसे, किन चीज़ों को लेकर हमें वर्कआउट करना है, इस पर वो फोकस हो। प्राची मैम, क्या आपका रिएक्शन होगा मैम की इन तमाम मैसेजेस? ओवरवेल्म्ड, कभी लगा नहीं था कि आई बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सच ए ह्यूज पर्सनैलिटी, लेकिन आज जब भी खड़ी हूँ तभी लगता है शी इज़ अमंग अस, एंड जो सपोर्ट उन्होंने दिया है फिजिकली मेंटली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर, दैट्स इट।